जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल कि लब आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। वो मुसलमानों के लिए आए, मैं खामोश रहा। वो जेएनयू के छात्रों के लिए आए, मैं खामोश रहा। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों को निशाने पर लेते रहे, मैं खामोश रहा। फिर वो किसानों के लिए आए, किसानों को आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा, 700 किसानों की जानें भी चली गईं, मैं खामोश रहा। वो डॉक्टर्स के लिए आए, मैं खामोश रहा। और अब वो आए हैं उन लोगों के लिए जिनका ये बुनियादी अधिकार है कि वो नौकरी मांगे, यानी कि अब वो बेरोजगारों पर निशाना साध रहे हैं। मगर चूंकि उन बाकी लोगों की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा चुका था, इसलिए हो सकता है कि वो आवाजें रही ही नहीं जो आज उन बेरोजगार के लिए अपनी आवाज बुलंद करेंगे। नहीं, शुक्र ऐसा हुआ नहीं। आज जिन किसानों, मुसलमानों, जेएनयू या उन पत्रकारों जो कि इस सरकार से सवाल करते हैं, उन्हें दबाने का प्रयास किया गया, आज मेरे जैसे ही पत्रकार उन बेरोजगारों के पक्ष में कार्यक्रम कर रहे हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, पिछले दो दिनों से रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के जो अभ्यर्थी हैं उनमें जबरदस्त नाराजगी है। नाराजगी इस बात को लेकर है कि परीक्षा में धांधली हुई, एक छात्र को 7-7 पदों पर उत्तीर्ण और सेलेक्टेड दिखाया गया, और अब तक जो परंपरा चली आ रही थी रेलवे बोर्ड ने उसे ही तोड़ दिया। छात्रों में नाराजगी दिखी, छात्र पटरी पर उतर आए, उन्होंने आंदोलन करना शुरू कर दिया। 26 जनवरी की सुबह जब यह देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, तब वो छात्र रेलवे पटरी पर था। कई जगहों पर माहौल उग्र हो गया, ट्रेनें जला दी गईं, रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। मैं नहीं भूला हूं प्रयागराज में किस तरह से पुलिस एक हॉस्टल में घुसती है, एक घर में घुसती है, अपने राइफल के बटों से दरवाजे पर मारती है, उन विद्यार्थियों को बाहर निकालती है और उन्हें मारती है। मैं उस वीडियो को भी नहीं भूला हूं जहां एक छात्र पुलिस से मिन्नतें कर रहा है कि मुझे मत मारो, मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने हिंसा का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। वो लगातार रो रहा था। क्या यह सच है कि इनमें से कई छात्रों ने जब भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट दिया था तो ले दे के प्राइम टाइम में जो प्रसारित होता है प्रोपेगेंडा, जो जहरीला प्रोपेगेंडा प्रसारित होता है, उसी के आधार पर आपने वोट दे दिया था? आज ये सवाल आपको खुद से पूछने की जरूरत है कि अब तक पिछले 7 सालों से आपका वोट सिर्फ इस काल्पनिक हिंदू मुस्लिम प्रोपेगेंडा, इस काल्पनिक डर कि अगर मोदी जी चले गए तो मुगलों का राज हो जाएगा, अब तक तो आपने इस मुद्दे पर वोट डाला, अब तक तो आपने नौकरी, बुनियादी अधिकार, मानवाधिकार, इन तमाम मुद्दों पर इस सरकार पर दबाव बनाया ही नहीं, तो फिर आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि इस सरकार इन मुद्दों पर आप पर आपकी आवाज को सुनेगी? सरकार ने यूटर्न लिया है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड पर उसने अभी तमाम भर्तियों पर रोक लगा दी है, मगर उसका प्रचार तंत्र भी रुका हुआ है। क्योंकि यही प्रचार तंत्र, यही गोदी मीडिया, जब किसान आंदोलन चल रहा था, वो किसान तो सिंगू बॉर्डर पहुंचे भी नहीं थे, और यह बतला दिया गया था कि खालिस्तानियों ने आंदोलन में प्रवेश कर लिया है, और अगर खालिस्तानी वहां बैठे थे तो फिर प्रधानमंत्री ने 1 साल बाद जाके उन कृषि कानूनों को वापस क्यों लिया? बताइए, अगर वो खालिस्तानी थे तो, अगर प्रधानमंत्री को यह लग रहा था कि अधिकतर किसानों की भलाई में वो 3 कृषि कानून थे, मगर मुझसे ही कुछ गलती हो गई कि मैं उसके फायदे नहीं गिना सका। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री के लहजे में कितना विरोधाभास था। मगर मैं इस घटना का जिक्र क्यों कर रहा हूं, मैं इस घटना का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस देश में जो भी प्रदर्शन करेगा उसके साथ ये तमाम तमगे जोड़ दिए जाएंगे, और जब सरकार को यह लगने लगेगा कि इसका चुनावी नुकसान होने वाला है तब वो पलट जाएगी, जैसा कि
कृषि कानूनों और किसानों के संदर्भ में हुआ। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जो छात्र या जो अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस उनके बारे में क्या कहने के लिए उतावली हो रही है, आपके स्क्रीन पर आने वाला है। About 1,000 anti-social elements on January 25, disguising as students, had gathered near Prayag station and allegedly set the railway track on fire. Out of 3 prime accused, 2 arrested, 1 to be arrested soon. ये किसने कहा है? ये कहा है SSP प्रयागराज अजय कुमार ने। Anti-social elements. मैं जानना चाहूंगा कि पुलिस ने जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया है कि वो किस तरह से anti-social elements हैं। यकीनन जो संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है वो एंटी सोशल कहलाएगा ही, मगर क्या 2014 से पहले छात्रों से, प्रदर्शनकारियों से ऐसी गलतियां नहीं होती थीं? बताइए, हम उन पर सवाल खड़े कर सकते हैं। ये तो शुक्र है कि इस वक्त चुनाव है उत्तर प्रदेश के, अगर चुनाव ना होते तो 2 चीजें होती। पहली बात, सरकार अपने फैसले को नहीं पलटती। दूसरी बात, अपने प्रचार तंत्र यानी कि इन पालतू गुल्लू कालू मीडिया के जरिए छात्रों के बारे में कहा जाता कि ये नक्सली हैं, ये देशद्रोही हैं। क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र, जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र या JNU के छात्रों के बारे में क्या कहा जाता है? उन्हें भी तो इन्हीं तमगों से नवाजा जाता है, बताइए, और बहुत आसानी से नवाजा जाता है। एक कोमल शर्मा लड़की कई लड़कों के साथ घुसकर JNU कुछ छात्रों को पीटकर निकल जाती है, आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तस्वीरें सबके सामने थी, उसकी पहचान भी सबके सामने थी, आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, इस जहरीले खेल को समझिए। मैंने देखा था एक वीडियो जिसमें एक लड़का कह रहा था कि मैं तो भाजपा का सदस्य हूं मगर मुझे नौकरी चाहिए। वो इस बात को समझ रहा था कि प्राइम टाइम में जो जहरीले डिबेट्स जिनका प्रसारण होता है उसका खामियाजा आज का छात्र भुगत रहा है। क्योंकि पिछले 7 सालों में तुमने इस देश के नागरिक को पंगु बना दिया है, अपंग बना दिया है, उसके दिल में यह डर फैला दिया है, यह बिठा दिया है कि साहब अगर हम गए तो मुगलों का राज आ जाएगा। प्राइम टाइम में लगातार उन जहरीली डिबेट्स का प्रसारण का नतीजा यह हुआ है कि न सिर्फ हमारे बुजुर्ग मां बाप वो देख देख कर उनका दिमाग जो है सुन्न हो गया है, बल्कि उनके साथ जब हमारे छोटे छोटे बच्चे 5-5, 6-6 साल के बच्चे देखते हैं, उनके भी दिमाग पर उसका असर पड़ा है। वो 5-5, 6-6 साल के बच्चे जब स्कूल जाते हैं और अपने क्लास में किसी मुस्लिम को देखते हैं तो कहते हैं भाई तुम्हें तो पाकिस्तान चले जाना चाहिए, और ऐसा कई बार हुआ है। खंगाली अपने आसपास माहौल को तो आप पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, राम मंदिर, कृष्ण मंदिर, काशी मंदिर, ये तमाम चीज हमारी मान्यताओं से जुड़े हुए हैं, हमारे आध्यात्मिक सोच से जुड़े हुए हैं, हमारी धार्मिक सोच से जुड़े हुए हैं। और धर्म एक निजी मुद्दा भी है और एक सार्वजनिक मुद्दा भी। मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर निजी मुद्दा है, मेरा जो आध्यात्मिक लिंक है या आध्यात्मिक संबंध है ईश्वर के साथ वो एक निजी विषय है। मेरी कोशिश रहती कि सार्वजनिक तौर पर उसका मुजाहिरा ना करूं, उसका प्रदर्शन ना करूं, और कभी कभी मुझे सिर्फ इसलिए करना पड़ता है क्योंकि भाजपा का प्रचार तंत्र मेरे बारे में झूठी अनाप शनाप खबरें फैलाकर मुझे हिंदू विरोधी और देशद्रोही बताने का फैसला करता है। वो सिर्फ एक डिफेंसिव रिएक्शन होता है, खुद को बचाने की एक कोशिश होती है, उसके अलावा कुछ नहीं। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन तमाम चीजों में उलझकर, इस देश को उग्र बनाकर, इस देश के अंदर माहौल को बिगाड़ के क्या हमारे लिए नौकरियां पैदा होंगी? पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय देख रहा है कि हरिद्वार के अंदर धर्म संसद होती है, उस धर्म संसद के अंदर देश के खिलाफ जंग छेड़ने की बात होती है, उस हरिद्वार के धर्म संसद के अंदर मुसलमानों पर निशाना साधने की बात होती है, और मुश्किल से फिर 2 लोग गिरफ्तार होते हैं। पूरी दुनिया देख रही है। मुझे बताइए ना, आप क्या इस देश को सीरिया बना देना चाहते हैं, या जब इराक में हालात बदतर थे वैसा बना देना चाहते हैं?
जिस पाकिस्तान को पानी पी पी कर गाली दी जाती रहती थी, क्या हम उसी पाकिस्तान की तरह भारत को बना देना चाहते हैं? अरे कम से कम पाकिस्तान का जो पत्रकार है वो बेखौफ होकर सत्ता से सवाल करता है। हमारे यहां का मीडिया प्राइम टाइम में जहर बो बोकर आपको क्या बना रहा है, आपके मुद्दे उठा ही नहीं रहा है। फैक्ट चेकर जुबैर ने यह ट्वीट किया है और वो बता रहे हैं कि इस ट्वीट में देखिए कि प्राइम टाइम न्यूज चैनल के तमाम एंकर्स ने जो पिछले दो दिनों से अभ्यर्थियों का प्रदर्शन चला आ रहा था उस पर एक बार भी कुछ नहीं कहा। मैं नहीं जानता हूं दोस्तों कि ये जो प्रदर्शन हुए उस पर इनमें से किसी ने भी कोई डिबेट की होगी। और डिबेट क्यों नहीं कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं। हालांकि वो चाहते तो उन छात्रों को देशद्रोही बोल सकते थे, जैसा कि किसानों के बारे में कहा गया। ये बोल सकते थे कि भाई ये जो छात्र हैं, ये जो अभ्यर्थी हैं, ये लोग देखिए रेलवे पटरियों को उखाड़ रहे हैं, ट्रेनों को जला रहे हैं, जो कि हकीकत है और उसकी आलोचना भी की जानी चाहिए। मगर वो ये भी नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं क्यों। वो ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को ये सूट नहीं करता। अगर अभ्यर्थियों को बदनाम किया जाएगा तो उनका गुस्सा और बढ़ेगा और उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं। आपको याद होगा दोस्तों, पेट्रोल के दाम किस ऐतिहासिक पैमाने से अचानक कम हो गए थे, 10 रुपए नीचे आ गए थे। क्यों? क्योंकि बाय इलेक्शंस हुए थे और बीजेपी को कई अहम जगहों पर जो उनका गढ़ माना जाता था, मसलन हिमाचल प्रदेश, वहां पर हार का सामना करना पड़ा था। इसका अर्थ क्या हुआ? बीजेपी सिर्फ वोट की राजनीति समझती है, सिर्फ वोट का चांटा समझती है। मगर ये कितने शर्म की बात है, क्योंकि 2014 से पहले इस देश में आंदोलन होते थे, सरकार पर दबाव बनाया जाता था। अरे जब रामदेव ने रामलीला मैदान में आंदोलन किया था तब उनसे मिलने कई मंत्री गए थे, 5-5 बड़े मंत्री उनसे मिले थे एयरपोर्ट में। यह बात अलग है कि सलवार कमीज, औरतों की सलवार कमीज पहन के वो भाग निकले थे, वो एक अलग मुद्दा है। अन्ना आंदोलन हुआ था, सरकार लगातार उनसे संपर्क साध रही थी, मगर उन आंदोलनों को देशद्रोही नक्सली नहीं बताया गया था। उस आंदोलन से सरकार इत्तेफाक ना रखती थी उस वक्त की सरकार, मगर वो उनसे संवाद कर रही थी। और यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। मैं नहीं भूला हूं कि उस वक्त जब मैं जिन न्यूज चैनल्स में काम करता था तो मैंने कई बार उन आंदोलनों के पक्ष में बात कही थी। मेरा यह मानना था कि इस देश में उस वक्त जिस तरह का पॉलिसी पैरालिसिस चल रहा था, नीतियों में जो ठहरा था, उसके चलते ऐसे आंदोलनों की जरूरत है। और इस देश में मिसाल है ढेरों आंदोलन, और उस आंदोलनों से क्या फर्क हुआ है। मगर मैं शायद कई लोगों की तरह यह नहीं जानता था कि उस आंदोलन के जरिए कई लोग कुछ राजनीतिक सीढ़ियां चढ़ना चाहते थे और उसके अलावा कुछ नहीं। लोकपाल को लेकर आंदोलन हुआ, मगर बाद में क्या असर हुआ आप जानते हैं। इस सरकार में पिछले 7 सालों में क्या आपने लोकपाल की आवाज सुनी? सीएजी रिपोर्ट्स आती हैं अलग अलग परियोजनाओं को लेकर, सरकारी विभागों को लेकर। क्या आप जानते हैं कि सीएजी पूरी तरह से खामोश है? और इसी सीएजी का हवाला देकर विनोद राय ने अनाप शनाप बातें की थी 2G को लेकर, तमाम चीजों को लेकर। वो तमाम चीजें झूठ साबित हुई, प्रपंच साबित हुई, प्रोपगैंडा साबित हुआ। मगर मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा यह है कि इस देश में बोलने की आजादी होनी चाहिए, और अगर उसे दबा दिया जाएगा तो फिर वही होगा जो अब तक होता आ रहा है। जाते जाते मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। आज मैं जिस मंच पर खड़ा हूं, न्यूज क्लिक, आपको पता ही होगा कि पिछले 1 साल से न्यूज क्लिक पर निशाना साधा जा रहा है। हम पर 114 घंटे की एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड चली थी। भारतीय जनता पार्टी ने अनाप शनाप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके हम पर आरोप लगाए थे, न्यूज क्लिक पर आरोप लगाए थे। 1 साल होने को आया दोस्तों, जो तमाम आरोप लगाए गए थे चाइना को लेकर, तमाम चीजों को लेकर, कुछ प्रमाणित नहीं हुआ है। मगर आरोप लगा दिए गए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर दी गई थी, कई चीजें कह दी गई थी लोगों ने। मैं नहीं भूला हूं मेरे कार्यक्रमों के नीचे जो कमेंट सेक्शन में आके गालियां दी थी,
सोशल मीडिया पर मुझे लगातार निशाने पर साधा गया था, क्योंकि न्यूज क्लिक के लिए, जैसा कि आप जानते हैं, मैं कार्यक्रम करता हूं, जैसा कि इस वक्त मैं कर रहा हूं। न्यूज क्लिक का क्या दोष था मैं आपको बताता हूं। न्यूज क्लिक का सिर्फ इतना दोष था कि हम किसानों, वंचितों और नागरिकता बिल के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था, आंदोलनकारियों की आवाज आप तक पहुंचा रहे थे। हम सिर्फ इतना कर रहे थे और उसका खामियाजा हमें इस तरह से भुगतना पड़ा। भाजपा प्रचार तंत्र अब खामोश है, अब कुछ नहीं बोलता है, मगर उन्होंने तो अपना काम कर दिया ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। फिर वो जो तमाम पालतू मीडिया, एक ने तो याद है आपको तिहाड़ जेल गया था, पैसे की वसूली कर रहा था, तिहाड़ जेल गया था। फिर एक एंकर था जिसने एक व्यक्ति को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया था, वो भी एक हफ्ते तक महाराष्ट्र की एक जेल में था। तो इस तरह के लोग हम पर निशाना साध रहे थे, मगर आज हम वही हैं। आज बेबाकी से, बेखौफ तरीके से न्यूज क्लिक आपकी आवाज उठाते रहेगा और उठाते भी रहेगा। यह मेरा वादा है और यह न्यूज क्लिक का वादा है। नमस्कार।